हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पैर जमाने और उसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जिन नेतृत्वकर्ताओं की सबसे अहम भूमिका रही है, उनकी पहली पंक्ति का नाम है प्रेम कुमार धूमल। धूमल की गिनती हिमाचल के कद्दावर नेताओं में की जाती है। धूमल ने हिमाचल में न केवल पार्टी और सरकार का नेतृत्व किया, बल्कि पार्टी को खड़ा करने और संगठन बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। यही वजह है कि साल 2017 में चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में उनका महत्व कम नहीं हुआ। जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद भले ही अब सत्ता का केंद्र हमीरपुर से निकलकर मंडी हो गया हो, लेकिन हमीरपुर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य में राजनीतिक और जातीय गणित से लेकर कार्यकर्ताओं में अपनी पैठ के कारण भी धूमल अब भी पार्टी के लिए एक ट्रंप कार्ड है। धूमल जब पिछला विधानसभा चुनाव हारे थे तो कई लोग उनकी राजनीतिक यात्रा का पूर्ण विराम इसे घोषित कर चुके थे और उनके आगे बढ़ने की भविष्यवाणी करने लगे थे, लेकिन धूमल के व्यक्तित्व के आगे ऐसी भविष्यवाणियां छोटी साबित हुई। अपने चुनाव में हार के महज एक सप्ताह बाद ही धूमल फिर से कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच थे। धूमल का ये पब्लिक कनेक्ट पिछले 4.5 साल में कमजोर नहीं पड़ा और इसलिए अब भी राज्य की राजनीति को धूमल के बिना देख पाना न बीजेपी के लिए संभव है न विश्लेषकों के लिए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में राजपूत और ब्राह्मण समुदायों का वर्चस्व रहा है। धूमल राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो हिमाचल के कुल मतदाताओं का 28% है। धूमल एक मजबूत राजपूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हिमाचल से आते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो राज्य के मतदाताओं का 18% है। पार्टी इस गणित को बखूबी समझती है और धूमल के महत्व को भी, इसलिए चुनाव के करीब आते ही पार्टी को प्रेम कुमार धूमल याद आने लगे हैं। जानकार तो ये भी मानते हैं कि अगर बीजेपी को पिछला प्रदर्शन राज्य में फिर से दोहराना है तो धूमल उसकी एक मजबूत कड़ी रहेंगे। राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार धूमल बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होते हुए भी अपने ही जिले में चुनाव हार गए। इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि मोदी की लहर से पार्टी को मिली अप्रत्याशित जीत के बावजूद धूमल चुनाव हारे। धूमल को किसी वक्त उनके करीबी रहे कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राणा ने ही 3500 वोटों से हरा दिया। दरअसल धूमल ने 2017 में अपनी पारंपरिक हमीरपुर सीट से चुनाव न लड़कर सुजानपुर सीट से चुनाव लड़ा था, जहां पर बीजेपी की पकड़ ढीली थी। धूमल की हार के लिए अचानक उनके चुनाव क्षेत्र में किया गया इस परिवर्तन को भी जिम्मेदार माना जाता है। राजेंद्र सिंह राणा सुजानपुर से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार 2 बार चुनाव जीत चुके थे, बावजूद इसके धूमल को सुजानपुर से ही चुनाव लड़वाया गया, क्योंकि बीजेपी के पास धूमल के अलावा सुजानपुर से कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं था। धूमल पार्टी के स्टार प्रचारक भी थे, इसलिए दूसरे चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करने में भी वो व्यस्त रहे। दूसरी ओर राजेंद्र सिंह लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे। धूमल ने खुद भी ये माना था कि वो सुजानपुर में प्रचार पर ध्यान नहीं दे पाए। प्रेम कुमार धूमल बीजेपी नेतृत्व द्वारा तय की गई रिटायरमेंट की उम्र को पार कर चुके हैं और 78 साल के हो चुके हैं। धूमल ये मानते हैं कि पीएम को राज्य के लोग पसंद करते हैं, इसलिए सरकार को रिपीट करने में वो हिचकिचाएंगे नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेम कुमार धूमल का पूरा राजनीतिक सफर कैसा रहा है। पूर्व सीएम धूमल ने अपना राजनीतिक करियर एबीवीपी के साथ शुरू किया था। 1992 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रहे वो। 1984 में जब बीजेपी नेता जगदेव चंद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो बीजेपी ने धूमल को हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से मैदान में उतारा। हालांकि पहली बार धूमल चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद 1989 और 1991 में वो चुनाव जीत गए। 1996 में लोकसभा चुनाव वो हार गए। धूमल बीजेपी नेता जगदेव चंद की मृत्यु के बाद राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने मार्च 1998 में बमसन विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 18,000 मतों के अंतर से
जीत हासिल की। धूमल को कई बार सड़क वाला मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में सड़कों का लंबा चौड़ा जाल बिछाया। 2007 में जब तत्कालीन सांसद सुरेश चंदेल पर सवाल पूछने के एवज में पैसा लेने के आरोप लगे तो बीजेपी ने उनको पार्टी से बाहर भी कर दिया। तब धूमल ने हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते। 2008 में हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से उनके बड़े बेटे अनुराग ठाकुर उपचुनाव लड़े। धूमल का जन्म हुआ था एक कृषक परिवार में 10 अप्रैल 1944 को और उनके पिता थे फौज में। धूमल ने अंग्रेजी विषय में एमए किया, उसके अलावा बीए एलएलबी की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। धूमल राजनीति में आने से पहले एक निजी कॉलेज में इंग्लिश प्राध्यापक थे। 2017 में अगर वो चुनाव जीत लेते तो मुमकिन है वो फिलहाल बतौर सीएम अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे होते। वो इससे पहले मार्च 1998 से लेकर मार्च 2003 और जनवरी दिसंबर 2012 के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।